स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनएकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे NMMS स्कॉलरशिप 2023 और 24 के लिए। इसमें इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय योम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। इसमें परीक्षा जो है 2023 और 24 के लिए अब फॉर्म आएगा, फिर ये जो है इसकी परीक्षा होगी। ये कक्षा 8 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए होता है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको बता देंगे कि कैसे आप डाउनलोड कर पाएँ। 2015 का, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 का, अब 23 का आपको देना है। तो इसलिए लगातार करीब 6-7 क्वेश्चंस पेपर जो है पिछले सालों के हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप चाहें तो इस वीडियो में दिया गया जो तरीका है उस तरीके को फॉलो करते हुए आप आसानी से इन सारे जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। आसानी से एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, जिससे आप स्टडी आसानी से कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। देखिए ये 2015 का आपको मिलेगा NM जो है MS का फॉर्म पर इसका क्वेश्चन पेपर है। 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक 4 पद दिए गए हैं, इसमें से एक कोई भिन्न है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं। आप देख सकते ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है 2015 का है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2022 का हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 2022 का है, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। आप इसमें क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो इसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर हम आपको दिखाएं, मेरे पास सारे PDF यहाँ पर आप पड़ी हुई है। इसमें एक एक करके आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2015 का है PDF के फॉर्म में, ये 16, ये 17 का, ये 18 का, ये 2020 का, ये 21 का और ये यहाँ पर 2022 का। ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, ये हमने टेलीग्राम चैनल जो आपका टेलीग्राम चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस का है, देखिए ये स्वरान अकेडमी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल पर जो है हमने देखिए सारे 2022, 2018 ये एक करके सारे अपलोड कर दिए गए हैं। 2016, 2017, 2021, 2022, 2015 ये सारे अपलोड चल रहे हैं लगातार। ये आप देखेंगे कि अपलोड हो जाएंगे अभी सारे के सारे विद इन अ सेकेंड में। तो ये आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये सारे के सारे आप यहीं पर डाउनलोड कर लीजिए। 27 अगस्त का जब टाइम देखेंगे जाके, तो इसी वक्त जो जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी टाइम देखिए आपके सामने ही ये अपलोड किए जा रहे हैं। इसमें से 2021, 20 और 15 का लगातार रनिंग में है अपलोड होने में। तो ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे उससे पहले ही ये अपलोड हो चुके होंगे। ऊपर के सारे आप देख सकते हैं अपलोडेड हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपको डिटेल एक दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए जो आपको फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे 29 अगस्त से, तो यहाँ पर हम वो भर के भी आपको दिखाएंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप पहले से ही तैयार रखिए। तो उसमें अभ्यर्थी का नाम जन्मतिथि अंकों में, जन्मतिथि शब्दों में, पिता का नाम, माता का नाम, एक चीज़ ये हो गई। फिर नीचे आइए जेंडर, पुरुष है या महिला है जो आवेदक है, यानी जो बच्चा है जो स्टूडेंट है वो पुरुष है या महिला है। अभ्यर्थी का निवास क्या है, ग्रामीण है या शहरी है, ये आपको भरना है। वो किस जात से आता है, सामान्य से, अनुसूचित जात से, अनुसूचित जनजात से, अन्य पिछड़ा वर्ग से। फिर उसकी सातवें पॉइंट्स में आप जब फॉर्म भर रहे होंगे ऑनलाइन, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त है अगर तो आप एस करेंगे। फिर आपको ऑप्शंस मिलेंगे चलन क्रिया में, श्रवण दोष में, मंद दृष्टि में, कोई नहीं। तो यहाँ कोई नहीं है तो आपको ऑप्शन जो है 4 चुन लेना है, यानी वो किसी भी प्रकार का हैंडीकैप नहीं आता है तो आपको ये चुन लेना है। स्वतंत्रता सेनानी है तो आपको एस करना है, नहीं है तो आपको ये करना है, यानी अगर हैं तो जो आपको आरक्षण लेना है उस हिसाब से आपको काम करना है। पत्र व्यवहार का पता अथवा अपना अथवा पिता के नाम, पिता का नाम ना लिखें, यानी अपना अथवा पिता का नाम ना लिखें, सीधे जो है विलेज या मकान नंबर
इस तरीके से आपको वहाँ लिख देना है। मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ये मोबाइल नंबर हो गया, लैंडलाइन नंबर अगर यदि है तो लिखें, नहीं कोई ज़रूरी नहीं। ईमेल आईडी आप एक बना लीजिए, ईमेल आईडी अगर आपकी नहीं बनी है तो। उसके बाद संस्था का नाम जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, यानी जिस स्कूल में पढ़ रहा हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल से ना हो, सैनिक स्कूल से ना हो, जवाहर नवोदय विद्यालय से ना हो, तो ये या आवासीय किसी राजकीय इंस्टीट्यूट से ना हो। तो यानी जो परिषदीय या बाकी इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं, डे बोर्डिंग हैं, तो उनसे ये फॉर्म भर सकता है वहाँ का बच्चा। तो यहाँ इस संस्था का नाम जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, संस्था का प्रकार जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में राजकीय है, स्थानीय निकाय है, अशासकीय सहायता प्राप्त है। तो यहाँ पर जैसे कोई एडेड स्कूल है तो उससे जो है, या स्थानीय निकाय है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं किससे आता विद्यालय, जिस क्षेत्र में स्थित हो, ग्रामीण है या शहरी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ प्रॉपर वे में देख लेनी है। फिर उसके बाद देखिए माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय, यहाँ वार्षिक आय 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी, 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसी से कम होनी चाहिए। वो आय आपको निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करें, यहाँ अपलोड किया जाएगा। और अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह पर आय प्रमाण पत्र की संख्या भरनी है, आय और आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि भरनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भरनी पड़ेंगी। परीक्षा का माध्यम आप अंग्रेजी लेंगे या हिंदी लेंगे, ये चीज़ भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जिस भाषा में बच्चा कंफर्ट फील करता है, उस भाषा का यहाँ पर चयन करना है। परिवार के सदस्यों की संख्या है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, उस बच्चे के परिवार में कितने लोग हैं, मम्मी पापा, बाबा, दादी यानी दादा दादी, उसके बहनें, उसके भाई, मिला के कुल कितने सदस्य हो रहे हैं, उन सदस्यों की संख्या यहाँ लिखनी है। भाइयों की उसमें से संख्या, उसमें से बहनों की संख्या, पिता का व्यवसाय और पिता की योग्यता कितनी है, इसके बारे में डिटेल आपको देनी है। फिर माता का व्यवसाय क्या है और माता की योग्यता क्या है। फिर यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ, इस तरीके से टिक करना होगा। और यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा, इस तरीके का फॉर्म होगा, आप उसे भरना होगा आपको ऑनलाइन। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को करके कंप्लीट करके दे पाएंगे। तो ये आपने एक हमने प्रक्रिया समझाने की कोशिश की, जो रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है वो आप जरूर ले लीजिए। कक्षा 7 की क्लास 7th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और 8 की नहीं होगी क्योंकि उसमें अध्ययनरत है, तो ये मार्कशीट आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसके परसेंटेज जो प्रतिशत आप पाया होगा बच्चा कक्षा 7 में वो भरना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप प्रॉपर वे में चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल जो सीट्स होती हैं कितनी सीट्स हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, 1 साल में 12,000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक बच्चा पढ़ेगा तब तक ये दिया जाएगा। अर्हता के लिए उन्होंने बताया स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता, सराजकीय हो और कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, 3,50,000 से कम उसकी वार्षिक आय हो, कक्षा 7 में 55%, और ये चीज़ें यहाँ पर पंजीकृत आपका सहयोग करने के लिए, बाकी चीज़ें यहाँ पर उत्कृष्ट कम से कम 10 छात्रों को, और बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर बताई गई हैं। तो ये पूरी डिटेल है, इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपकी यथासंभव पूरी की पूरी मदद कर सकें, और आप इस फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है फेस ना करें, और आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकें। ये इसकी अर्हता है, इसकी जो क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम तब आपको क्या मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर इस स्क्रीनशॉट में भी आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी हमने फॉर्म को बताया कहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, यानी आप कहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, तो ये पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में। और हम बता दें, आप ये जो वीडियो देख रहे होंगे अगर फॉर्म भर चुके हैं तो ठीक है, नहीं भर चुके हैं तो आप और हमारे इस वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में NMMS की लिस्ट में, प्लेलिस्ट में जहाँ पर आपको फॉर्म भरना भी
बताया जाएगा 29 अगस्त को, उस दिन क्योंकि फॉर्म आएगा, लिंक एक्टिव होगा, तो उस दिन हम आपको फॉर्म भरना भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।